फ्रेंड्स, शुभ्रास लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बासंती पुलाव, मतलब पीला पुलाव। ये मेरी माँ की रेसिपी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी कि परफेक्ट पानी के मेजरमेंट से कैसे आप इस पुलाव को बना सकती है। पुलाव के लिए हमने लिया है एक कटोरी गोविंद भोग चावल। आप काली जीरा राइस भी ले सकते हैं। अभी इस चावल को 2-3 बार साफ़ पानी से धो लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। देखिए 5 मिनट हो चुकी है। अभी इस चावल को एक स्ट्रेनर में रख दिया है। अभी इस चावल में मिलाते हैं 2 टीस्पून शुगर, स्वादानुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इधर गैस ऑन करके एक पतीला में 2 कटोरी पानी बॉईल के लिए रखना है। अभी इस पानी में हम मिलाएंगे 3 से 4 छोटी इलायची, 9 से 10 लवंग, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 तेजपत्ता। पानी में डाल देंगे और पानी बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पानी बॉईल हो चुकी है। अभी हम इस चावल को पानी में मिला देंगे और गैस लो रख के ढक के होने देंगे। जब तक चावल उबल रही है, हम गैस के इस साइड में एक पैन में 1 टीस्पून घी लेते हैं। घी गरम हो चुकी है। अभी हम इसमें हैंडफुल काजू और किशमिश भून लेंगे। पहले काजू भून लेते हैं, गैस सिम रखेंगे और काजू को गोल्डन होने तक भून लेंगे। काजू भूनते वक्त गैस सिम में ही रखिएगा, नहीं तो काजू बहुत जल्दी जल जाती है। देखिए काजू भून चुकी है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और अभी गैस बंद करके इस गरम घी में ही किशमिश भून लेते हैं। किशमिश भूनने में 10 से 15 सेकंड लगती है। देखिए किशमिश भी भून चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। काजू और किशमिश को भूनना ऑप्शनल है, आप इसे ऐसे भी पुलाव में मिला सकते हैं। और अगर आप काजू किशमिश नहीं मिलाते हैं तो भी ये पुलाव बहुत टेस्टी लगती है। इधर चावल देख लेते हैं। देखिए चावल 50% हो चुकी है। अभी हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून घी, मिला देंगे। अभी हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और भुना हुआ काजू किशमिश। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला देंगे। गैस बिल्कुल सिम में ही रहेगा। लीड लगा के और 1 मिनट के लिए होने देंगे। एक मिनट हो चुकी है। अभी चावल को देख लेते हैं। देखिए चावल में थोड़ा पानी है। इस पॉइंट में हमें गैस बंद कर देना है और लीड लगा के इसे 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट हो चुकी है। अभी पुलाव देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल खिला खिला पुलाव बनके तैयार है। चावल चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। इस पुलाव को आप चिकन या पनीर किसी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से मेरी मम्मी ये पुलाव बनाती है। इस रेसिपी में चावल और पानी का मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप जितनी चावल ले उससे डबल पानी ले, बस आपकी पुलाव बन जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट पे ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।